सब एक वेट मैम स्लाइटली दैट्स अ मिस सर थोड़ा थोड़ा सा बस वेट यस मैम सर थोड़ा स्माइल रखिए थैंक यू अजय जी पहला सवाल आपके आपके लिए है कि अपेक्षा म्यूजिक का फर्स्ट मराठी सॉन्ग है एंड कविता जी की आवाज में क्या कहना चाहेंगे वी आर ब्लेस्ड लेजेंडरी इतने लेजेंडरी सिंगर्स हमारे कंपनी में आए हैं एंड पहला मराठी सॉन्ग कविता जी के वी आर ग्रेटफुल टू देम कविता जी ब्यूटिफुली सॉन्ग सॉन्ग इट इज वेरी इनलाइटनिंग आल्सो टू हियर इट वी हर्ड द सॉन्ग डिवोशनल ट्रैक है और शुरुआत उससे हुई है तो कैसा आई एम श्योर यू हैव बीन डूइंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क इन डिवोशन एंड दिस इज स्पेशल सो व्हाट वुड यू लाइक टू से तो ऐसे होता है ना कि आप काम बहुत करते रहते हैं लेकिन कोई एक चीज़ ऐसे आ जाती है जिससे लोगों तक आपका काम पहुँचता है एंड आई एम कॉन्फिडेंट मुझे विश्वास है कि चिंतामणि के द्वारा जो एक एंड ये गाना रिलीजियस नहीं है ये गाना स्पिरिचुअल है ये गाना ऐसे है जिसकी हर इंसान को आज ज़रूरत है बिकॉज इट सिग्निफाइज होप एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो अपेक्षा म्यूज़िक की जो शुरुआत मराठी कैटलॉग्स की जो शुरुआत है वो एक बहुत होपफुल गाने से ये शुरुआत है एंड आई रियली प्रे गणपति बप्पा को जो आई थिंक वो एक ऐसे भगवान हैं जो अक्रॉस एजेस अक्रॉस स्टेट्स चाहे वो पंजाब हो गुजरात हो चाहे वो बंगाल हो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बप्पा नहीं पहुँचे और यू नो चिंता हरने वाले जो डीटी हैं तो वो गणेश हैं और इस गाने का नाम भी चिंतामणि है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड दैट यू नो अजय जी एंड अपेक्षा म्यूजिक हैव डिसाइडेड टू ओपन देयर रेपर्टुआर विद चिंतामणि चिंतामणि इज अबाउट नॉलेज ऑल्सो एज यू सेड इट्स अ स्पिरिचुअल सॉन्ग एंड यू नो एक अभी एक ट्रेंड जो चल रहा है विच इज ऑलवेज देयर कि डिवोशन स्पिरिचुअल और इनलाइटनिंग सॉन्ग्स का एक अलग कैटेगरी बन गई है तो आप खुद यू बीन होल्डिंग सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेस इन डिवोशन एंड स्पिरिचुअल फील्ड व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस होल ट्रांजिशन व्हिच इज हैपनिंग देखिए आई थिंक एज समबडी यू नो हु रिप्रेजेंट्स द यूथ आई फील दैट स्पिरिचुअलिटी आज सबसे ज़्यादा यूथ को ज़रूरत है उसकी पहले ऐसे हुआ करता था कि आप एक सर्टन एज पर पहुँचे उसके बाद आप यू नो स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनने लगे आज वैसे है नहीं आई थिंक द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ और आजकल कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए रिलीजियस होना है स्पिरिचुअलिटी ये आप में एक पॉजिटिविटी बढ़ाती है जो आप करते हैं उसमें आपको बहुत आगे तक ले जाती है जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उसको मैग्नीफाई करती है तो आई थिंक टुडे मोर देन एवर स्पिरिचुअल म्यूज़िक जो पॉजिटिव म्यूज़िक है वैसे तो सब कहते हैं कि म्यूज़िक इट्सेल्फ इज़ पॉजिटिव लेकिन अच्छे यू नो गुड वर्ड्स एक अपलिफ्टिंग थॉट्स ये सुनने से आपको खुशी क्यों होती है और कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो वो आपको शुगर हाई की तरह एक शुगर रश देते हैं बट वो शुगर निकल जाता है तो बस फिर आगे जहाँ पे थे आगे लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि एवरी टाइम आप लो फील करते हो एवरी टाइम आपको वो सुनने से यू नो यू बाउंस बैक अप तो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई स्पिरिचुअल म्यूजिक टुडे इज कैचिंग अप आई डोंट थिंक इट हैड डाइड डाउन कहीं पर वो छुप गया था थोड़ी सी धूल उस पर बैठ गई थी ऑफ यू नो पीपल्स इग्नोरेंस आई गेस एंड
इट्स हाई टाइम दैट यू नो वी वेंट बैक टू, जैसे कहते हैं ना कि आप दुनिया भर का क्विजीन ट्राई करो लेकिन आप जब आप दुखी होते हो या जब आप यू नो अनहैप्पी यू गो बैक टू दाल चावल. इट्स आई थिंक यू इट्स टाइम दैट वी केम बैक टू आवर दाल चावल एंड इट्स टाइम वी केम बैक टू आवर म्यूजिक विच हैज़ बिल्ट आवर कंट्री. तो आई थिंक एंड होता कैसे है कि जो चीज़ यंगस्टर्स एक बार कन्विंस हो गए देन देर इज़ नो स्टॉपिंग बैक, फिर उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करने लगते हैं. बॉलीवुड की बात की जाए तो आपका किस तरीके का, यू गॉट सच अ मेलोडियस वॉइस, व्हिच इज योर फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक? सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द लिसनर्स दैट मेरे करियर की शुरुआत बॉलीवुड से ही हुई है. आई डिड माय प्लेबैक एट माय फर्स्ट सॉन्ग एवर वाज एट द एज ऑफ 13 एंड आई डिड अ प्लेबैक फॉर पूजा भट्ट इन अ मूवी कॉल्ड जुनून. एंड उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर रहमान जी, आई सैंग फॉर ऐश्वर्या राय, आई सैंग फॉर सोनाली बेंद्रे एंड all those gorgeous ladies. And I still do a lot of Bollywood, of course not playback per se, but bahut programs hote hain, reality shows mein Bollywood wagera bahut gaya jata hai. What happens is people somehow connect a little more when they listen to me singing spiritual music. Probably it's because maybe there aren't any younger faces in spiritual music, but having said that, I think all kinds of, see, to me anything positive is spiritual. So a good ghazal jiske bol bahut khoobsurat ho ya jiska intent bahut sundar ho ya koi bhi ek acha, you know, a song like Ae Watan from Razi, it's a Bollywood song but it's a very uplifting song, you know, aap har bar usko sunte ho to aap ekdam tarotaza ho jate ho aur aap everybody is patriotic, lekin kabhi kabhi aise lagta hai ki nahi main kuch bhi kar dunga apne desh ke liye. To aise gaane jo hain, I think I relate to a lot of that kind of music in Bollywood. Of course it is all the same 7 notes, wahi 7 sur hain, but yes, I tend to relate more to music that is lasting. Ye gana zarur pari audience sunna chahengi, ek do line. Sure. To is ye gana it's a Ganesh ji ka गाना है, लेकिन ख़ास तौर पे सी ही इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो बुद्धि के देवता भी उन्हें मानते हैं. बच्चे एग्जाम से पहले पीपल आर स्क्रैम्बलिंग टू सिद्धि विनायक, यू नो ही इज़ सपोज टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स. तो कुछ अगर कल यू नो कुछ इशू है तो लोग भागते हैं. लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स गो टू सिद्धि विनायक बिफोर द रिलीज ऑफ देयर फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन एक जो उनका उनकी क्वालिटी है जो देर कभी कभी सेल्फ डाउट होता है, यू नो एक नैगिंग डाउट होता है, उसको हटाने की क्षमता मेरे ख्याल से गणेश जी में सबसे ज़्यादा है. उसी रूप को चिंतामणि, जो चिंता हरते हैं उसे चिंतामणि कहते हैं. तो उन पर आधारित ये गीत है. वससे मणि चिंतामणि, हे गणनायका शुभदायका, वससे मणि चिंतामणि. तो नॉट ओनली डस चिंता तो हरते हैं लेकिन हर चीज़ को वो शुभ बनाते हैं. एंड आई थिंक पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी देखते हैं अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी सिचुएशन टर्न होने में वक्त नहीं लगता. तो इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग यू आर कॉलिंग हिम चिंतामणि तो कहते ही हैं, लेकिन वो शुभ है, यू नो ही सिग्निफाइज ऑल थिंग्स पॉजिटिव. Since आपने बात की जुनून जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था, तो आई थिंक लेट्स गिव अ रिकॉल टू द ऑडियंस एंड कनेक्ट टू दैट बॉलीवुड. सो ये वो वाली फिल्म थी जहाँ पर मजाक में कहा जाता था कि शेर राहुल रॉय बन गया, यू नो इट्स द अदर वे अराउंड. ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, मैं भी हूँ तेरी जान, ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, ये जान गए सब
चला। We have one.